एक पीछे या उधर पैरेलल चले जाओ, जैसे मर्जी कर लो, दैट इज योर चॉइस। बेंचेस बहुत सारे वेकेंट हैं। हरी अब बी क्विक। दोनों में से एक जना अपने आप डिसाइड कर लो किसने सीट चेंज करनी, जहां मर्जी बैठो, पूरी क्लास आपकी है। हाँ जी, ट्राइंगल डीबीसी क्या लेके चलेंगे? डीबीसी में टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन बीसी, और दूसरी तरफ ट्राइंगल एबीसी में टेन बीटा इज इक्वल टू अपॉन बीसी। अब दोनों में बीसी जो है वो आपका क्या है, सेम है, तो यहां से बीसी इज इक्वल टू एच टेन अल्फा आप इसमें पुट कर लेंगे यूजिंग वन एंड टू। हाँ जी, क्या कह रही हूँ? बीसी दोनों में कॉमन है ना, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। देखिए वन और टू, अब यहाँ से वन से बीसी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी, बीसी एलिमिनेट हो जाएगा, एच एच टेन अल्फा टेन बीटा की टर्म्स रह जाएंगी, वहां से मेरा सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा मुझे। तो दिस इज टेन बीटा। बच्चे ये वाली बीसी की वैल्यू हम यहाँ अब पुट करेंगे, ठीक है? मेथड बिल्कुल वही सेम है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें पहले वैल्यूज गिवन होती थी, यहाँ पे वैल्यूज नहीं गिवन है, उनकी जगह हम सम कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स यू कैन से कि हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी हैविंग एच टेन बीटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लो यहाँ पे, एच टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है वो टर्म्स एक तरफ ले लो, माइनस एच टेन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एच टेन अल्फा, एच कॉमन आ जाएगा यहां से, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, हाँ जी बड़ा ही निकाल रहे हैं, तो ये इधर आ जाएगा ना, एच टेन अल्फा ये आप डिनोमिनेटर में ले आओगे, तो दिस यू वर टू प्रूव एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इज इक्वल टू टेन बीटा एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्लियर? नहीं समझ आया, दोबारा देख लो। पहले तो जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है, हमें ये गिवन है टॉवर, टॉवर के ऊपर एक फ्लैगस्टाफ है, फ्लैगस्टाफ का एक पॉइंट से बॉटम का एंगल अल्फा गिवन है, टॉप का एंगल बीटा गिवन है। वी आर टू प्रूव दैट हाइट ऑफ द टॉवर इज इक्वल टू एच टाइम्स टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। हम यहाँ पे जब फिगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने राइट ट्राइंगल्स जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है, एक राइट ट्राइंगल मेरी डीबीसी बन रही है, दूसरी मेरी एबीसी बन रही है। डीबीसी में अब क्योंकि बीसी दोनों में कॉमन है, तो मैंने ले लिया पहले टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर वाले में भी टेन अल्फा बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर ये पूरी साइड है तो एच प्लस एच हो गया, ये आ गया कैपिटल एच अपॉन बीसी, यहां से बीसी मैंने निकाल लिया एच अपॉन टेन अल्फा, यहाँ पे टेन बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन बीसी, ये वाली बीसी की वैल्यू मैं यहाँ से ये पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे कैपिटल एच चाहिए, स्मॉल एच चाहिए, टेन अल्फा टेन बीटा चाहिए, बीसी नहीं चाहिए, तो मैंने बीसी को एलिमिनेट किया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एच टेन बीटा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा प्लस स्मॉल एच टेन अल्फा, एच की वैल्यूज क्योंकि मुझे निकालनी है वो दोनों टर्म्स मैंने एक तरफ रख ली, यहाँ पे एच को कॉमन ले लिया, इधर ये एच टेन अल्फा एज इट इज चलता रहा, यहाँ ये मल्टीप्लाई आ रहे हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर, सीट चेंज कर लो बच्चे, अब मैं डाइस नहीं ना रिमूव कर सकती आगे से। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे।
डन इधर वाला कर दूं इरेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर एच मीटर हाई एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टॉवर आर अल्फा एंड बीटा वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा यू आर नॉट लिसनिंग टू मी राघव और इसके बाद सीधा क्लास से बाहर जाओगे आप टॉप ऑफ द टॉवर है हमें गिवन है टॉवर एक एच मीटर हाई टॉवर गिवन है सो दिस इज गिवन टू बी एच मीटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टॉवर तो यहाँ पे एक जो है आपको गिवन है पॉइंट्स गिवन है जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अल्फा और बीटा गिवन है और कंडीशन मुझे गिवन है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा ग्रेटर देन अल्फा मीन्स अगर एक पॉइंट मैंने ऐसे लिया तो दूसरा पॉइंट मेरा ऐसे आएगा अब इसमें से कौन सा एंगल अल्फा लेना है कौन सा बीटा लेना है आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि बड़े वाला एंगल हमेशा कहाँ लेते हो आप अंदर वाली साइड पे तो दिस विल बी बीटा एंड दिस विल बी अल्फा व्हाट वी आर टू फाइंड आउट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट तो लेट दिस बी ए दिस बी बी दिस बी सी एंड दिस बी डी एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट सी डी एच गिवन है ये मुझे तो सी डी मुझे फाइंड आउट करना है यू कैन सी द टू ट्रायंगल्स ओवर हियर This is your ABC. एक राइट ट्राइंगल मेरे पास ये बन रही है और दूसरी राइट ट्राइंगल ए बी डी हाँ जी चलो क्या क्या लेके चलें हाँ इन ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल आपकी एबीसी बन रही है सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बीसी सेकेंड वाला ट्राइंगल आपका बन रहा है इन ट्राइंगल ए बी डी इसमें टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन बी डी अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी प्लस सी डी सी डी आई हैव टू फाइंड आउट और बी सी की वैल्यू यहां से इसमें पुट करते हैं ठीक है तो बी सी इज इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा तो दिस कैन बी रिटन एज क्योंकि मैं अगर एलसीएम अवॉइड करना चाहूं तो आई एम यूजिंग द कॉट ओवर हियर ठीक है हाँ वो भी सेम ही आएगा उसमें भी तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एच कॉट बीटा प्लस सी डी अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है सी डी की निकालनी है तो एच कॉट बीटा टेन अल्फा एच टेन अल्फा कॉट बीटा लिख लिया मैंने इसको प्लस सी डी tan alpha is equal to h cd tan alpha is equal to h minus h tan alpha cot beta हाँ जी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना h tan alpha और cot beta तो h tan alpha cot beta इसको h में से माइनस कर दिया अब H कॉमन ले लो और ये वाला टेन अल्फा नीचे ले आओ हाँ जी रेसिप्रोकल लेके कह रहे हो हाँ हम्म
हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे कन्वीनियंट लगता है यू कैन गो. वहां पे फिर आपका आंसर आ जाएगा एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा, बी डी में से बी सी माइनस करोगे, जैसे मर्जी करो. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा माइनस, ये टेन अल्फा कैंसिल आउट होके एच कॉट बीटा, तो दिस इज एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा. आंसर सेम आएगा जैसे मर्जी करते हैं. किसमें, यहाँ कैसे? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो. इधर कह रहे हो तो फिर इधर भी वन अपॉन टेन अल्फा या इसको कॉट अल्फा लिख लोगे. ठीक है, क्लियर, चलें अगले पे. ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. यहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं है तो एच या स्मॉल एच कैपिटल एच मेथड वही सेम रहेगा. हाँ आपका जो टेंथ लेवल पे है ट्रिग्नोमेट्री, वैसे जो है जरूरी नहीं है कि राइट ट्राइंगल होती है हमारी, किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है, बट टेंथ में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज एप्लीकेबल टू राइट ट्राइंगल. लिखो जल्दी करो, उसने लिखा ही नहीं हो ना. पूछो बस, ये आंसर आ गया. हाँ ये क्या की है, ये बीडी में की है, इसको सीडी इक्वल टू लिखो ना आगे. यहाँ पे आपने ये सी डी है ना, बी डी माइनस बी सी किया, तो सी डी इक्वल टू, ये सी डी की वैल्यू नहीं किया, तो दिस इज योर आंसर. यही आपको फाइंड आउट करना. यहाँ पे H कॉमन ले लो ना, आंसर तो सेम आ रहा है, जैसे मर्जी कर लो. कर दो इरेज, हो गया हार्दिक. बेटे बात ये है कि आप मतलब इनको किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आएगा क्योंकि वो एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लैडर अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल. हमें ये वर्टिकल वॉल गिवन है, लैडर जो है इसके साथ एक एंगल अल्फा बना रही है. इन इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स अ डिस्टेंस क्यू. इसको यहां से पकड़ के फुट से इसके पीछे की तरफ खींचा जाता है. जब इसको आप पीछे की तरफ खींचोगे तो क्या होगा, ये लेंथ ये हाइट जो है ये कम हो जाएगी और ये डिस्टेंस जो है ये आपका बढ़ जाएगा. तो नीचे आए, यस यहाँ आने, जो मैं ये पॉइंट शो कर दी यहाँ पे ऐसे ले लो, हाइट कम हो जाए. हाँ जी, मतलब ये वाला जो है वो कम कवर करेगी. अच्छा उसने ये हमें दिया हुआ है कि कितना पीछे खींचा उसको, पी जो है मीटर्स, मीटर नहीं है, डिस्टेंस पी गिवन है. एंड देन द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल बीटा बना रही है फिर वो हॉरिजॉन्टल के साथ. शो दैट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा. क्यू इज दिस, कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे. चलो ट्राइंगल ए सी डी एंड बी सी ई. हाँ जी क्या कह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हैं. यहाँ हाइपो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या अगर लेते भी हो तो हाइपो दोनों केसेस में सेम है. यहाँ पे लैडर की लेंथ दोनों केसेस में सेम रहेगी तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें साइन और कॉस की टर्म्स में चलने. ठीक है,
ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए सी ई बी सी ए सी डी में क्या लें? टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू प्लस बी सी अपॉन डी सी और इधर चलिए अब निकालना है आपको ये शो करना है दैट पी बाय क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओके यहां से आप कह रहे हो क्यू निकालने तो दिस इज वाई टेन अल्फा माइनस एक्स और इधर से पी टेन बीटा प्लस वाई टेन बीटा ओके तो पी आ जाएगा यहां से एक्स माइनस वाई टेन बीटा अपॉन टेन बीटा अब पी बाय क्यू में ये पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में तो डिवाइडिंग टू बाय वन चलो हाँ जी पी टेन बीटा इधर रखा एक्स माइनस वाई टेन बीटा आ गया पी के साथ टेन बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड कर नेक्स्ट पी बाय क्यू क्या आएगा यहां बोलो क्या ये कह रहे थे ना आप लोग अब बताओ क्या किसका एक सेकेंड यहाँ पे टेन बीटा भी है साथ में वाई एक्स माइनस वाई टेन बीटा अपॉन टेन बीटा ये पी था कहाँ चेंज हुआ क्यू इज वाई टेन अल्फा माइनस एक्स P ऊपर है Q नीचे है अब नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या ऐसे थोड़ा करके बताओ क्या आएगा कौन सा कहाँ वो हाँ हाँ जी हाँ जी साइन है ना बीच में किसको ये आ गया एक्स माइनस वाई टेन बीटा अपॉन वाई टेन अल्फा टेन बीटा माइनस एक्स टेन बीटा मैंने आपको हिंट दिया था कि लैडर की हाँ किसमें से अरे कॉमन ही तो उसने ब्रैकेट खुलवाई है वापिस फिर उसी स्टेप में घूमते रहोगे आपको प्रूव क्या करना है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा यानी कि क्या इलिमिनेट हो रहा है जो आपके पास वहां पे वैल्यूज आई थी अकॉर्डिंग टू दैट हाँ कौन से टेन को टेन को तो चलो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे कहीं पे आपको एक्स और वाई दिख रहे हैं फिर आपने एक्स और वाई लिए हुए हैं तो क्या चेंजेस करने थे बेटे ऐसे ही प्रैक्टिस होती है हाँ जी लिख सकते हैं ये बन गया x माइनस वाई साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा
डिनोमिनेटर में ब्रैकेट से पहले करना है कि बाद में करना है? इस स्टेप में करूं कि इस स्टेप में? ऊपर वाले में. ओके, सो दिस विल बी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इनटू वाई साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन कॉस अल्फा. एलसीएम भी ले लो जी. दिस इज एक्स कॉस बीटा माइनस वाई साइन बीटा अपॉन ये वाला कॉस बीटा और ये वाला कॉस बीटा आफ्टर टेकिंग एलसीएम कट कर देंगे. सो वी आर लेफ्ट विद साइन बीटा वाई साइन अल्फा साइन बीटा माइनस एक्स साइन बीटा कॉस अल्फा. साइन कॉस तो वैसे भी आ जाना था. एक्स और वाई ऐसे नहीं कॉमन ले सकते बेटे इसके साथ. या तो ये ऐसे होता ना कॉमन, कुछ और होता. तो अब वापिस यहाँ पे दोबारा आओ. अब इसको दोबारा चेक करो कि और इसमें आप क्या कर सकते हो. वी हैव टू एलिमिनेट एक्स एंड वाई. एक्स और वाई हमने एलिमिनेट करने हैं. अच्छा फिर बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे उतनी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी. मैं हमेशा आपको कहती हूँ आप बोलो, मैं आपको बता रही हूँ कहाँ आप क्या गलती कर रहे. यहाँ आपको पता एक्स और वाई एलिमिनेट ही नहीं हुए. सबसे बड़ी गलती तो ये है. मैं वही तो कह रही हूँ कि आप वापिस वहां आओ और क्या कर सकते हो. लो जी और कोई हुक्म? चलो हाँ जी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गिव देयर व्यूज. चाहत कुछ बोलना चाहेंगे आप? शांतनु जल्दी करो भाई जल्दी, एक सम फिर होगा आपका ऐसे तो. हाँ नहीं आज नहीं. Y tan alpha minus x equal to Q P tan beta plus Y tan beta equal to x. सिर्फ चलो अच्छा ये हो गया आपका Y tan alpha plus Q ये भी equal to x minus Q ये लो. अच्छा अब ये हो गया P tan beta प्लस वाई टैन बीटा ये लो. चलो अब किसमें? हाँ 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 गलतियां बहुत होती हैं. P tan beta plus P और Q उसने कहा था एक तरफ कर दो, मैंने कर दिया. Equal to Y tan alpha minus Y common ले लिया जी. ओके tan alpha minus tan beta आ गया. कौन सी? यहाँ पे प्लस Q था.
लैडर वाले क्वेश्चन में क्या करते होते थे पाइथागोरस? यहाँ भी लैडर की लेंथ दोनों केसेस में सेम है, हाइपो दोनों केसेस में सेम है। हाइपो दोनों केसेस में सेम है तो हाइपो इलिमिनेट कर सकते हो, हाइपो वाले उससे आप उसको इक्वेट कर सकते हो। हाँ जी बेटे, लैडर की लेंथ अगर मैं एल मान लेती हूँ तो ये लैडर जब तू पीछे खींची ये भी तो डिस्टेंस एल ही रहेगा, ये चेंज थोड़ा हो जाएगा। दोनों केसेस में एल निकाल के इक्वेट करो एंड देन सिंप्लीफाई। ठीक है, लैडर की लेंथ दोनों केसेस में आपकी सेम रहेगी, उसको निकालो। मैं तो वही आपको कह रही हूँ, अभी ये याद रहेगा आपको कि ऐसे नहीं हुआ था। अगर मैं बता देती तो फिर वो चीज उस टाइम आपको लगना था, नेक्स्ट टाइम आप कभी 10 दिन बाद 12 दिन बाद ये सम करते तो वो चीज स्ट्राइक नहीं करेगी। अब आपको ये याद रहेगा कि हमने ये ऐसे ऐसे किया था, एक दो स्टेप फ्री करोगे आपको रिकॉल हो जाएगा। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, एल की टर्म्स में लेके चल रहे हैं इसको, लेटर की लेंथ को लेके दोनों ट्राइंगल्स में उसको इक्वेट करो। कल करवा दूंगी, कोई बात नहीं, कल करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.